कॉम्पिटेंट फिर आईसी, क्योंकि अगर ओपन कॉम्पिटेंट नहीं हुए तो फिर तीसरा ओपन क्या होगा? आईसी। तो आईसी को फिर क्या करोगे तुम? जो रीहीट, रीहीट बिल्कुल रिप्लेस, बिल्कुल। तो पहले रीहीट, तो ये सारी चीजें, तो ये इसमें कितना महीने हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए? दो दिन मैंने पूछ लिया आपसे, इतनी सारी चीजें पूछी ना यार। अब आदमी सोचता है इतनी सारी चीजें सर दो दिन में कैसे है भाई? अच्छा ये बताओ, सच बताओ, मेरे आदमी तो नहीं हो ना पक्के से? अभी हूँ, दो दिन से हूँ। अभी दो दिन से हो यहाँ पर? ये बताओ, मैं मोबाइल में कुछ लाग डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो वो नहीं, वो तो आईसी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं कुछ डिफरेंट, जो फॉल्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी ऐसा सिग्नल चाहते, वो कौन सा आता था? वो एशियन टेलीकॉम। तो यहाँ पर आपको मिला? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और अभी नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो चलो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट है, किसके स्टूडेंट को खड़ा करें? तो यहाँ पर एक मेरे साथ स्टूडेंट है, आ जाओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? राजू, नेपाल से। तो राजू ये बताओ कि ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलकर बनता है। ट्रांजिस्टर में कितनी पिने होती हैं, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? तीन पिन होती है, कौन कौन सी नाम बोलो? जैसे कि एमीमीटर, बेस, एमीमीटर बेस और कलेक्टर। अच्छा ये बताओ कि किसी ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, कौन कौन से? दो प्रकार, कौन कौन से? जैसे कि एनपीएन और पीएनपी, दो प्रकार के होते हैं। तुम्हें चेक करने आते हैं? Yes. मतलब ट्रांजिस्टर बोर्ड में क्या तुम्हें जब लगा होता है 3 लाख का, तो उसमें लिखा होता है कि वो एनपीएन की पीएनपी है? Nice. वो जो पहचानने का तरीका होता है ना, वो तरीका पता है तुमको? Yes. आ जाता है रजिस्टर, तुमको सारे पता है? Yes. कोड रजिस्टर चेक करना, उसकी वैल्यू निकालना बन जाएगी? वो कोड रजिस्टर कहाँ लगे होते हैं ये भी पता है आपको? कहाँ लगे हो सकते हैं कोड रजिस्टर? कोड रजिस्टर मैक्सिमम चार्जिंग सेक्शन, मैक्सिमम चार्जिंग सेक्शन में लगे होते हैं। फ्यूज रजिस्टर कहाँ लगे होते हैं? स्पीकर सेक्शन में, वेरी गुड, ये लगे हो सकते हैं। सीरीज में लगे होते हैं कि पैलर में लगे होते हैं? कोई भी कंपोनेंट सीरीज में होगा पैलर में होगा ये चेक करना आ जाएगा आपको। कोल्ड टेस्टिंग की नॉलेज मिली आपको यहाँ पर? थोड़ा ट्रेसिंग की नॉलेज मिली कि ट्रेसिंग किस तरह से करना चाहिए, आईसी से आने वाला क्या चेक करना चाहिए? तो यहाँ पर आपने ये देखा, इतना कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? दो दिन हुए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर कि जो चीज सीखने आए थे वो सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो सोच के आए थे वो सब मिल रहा है, जो सब मिल रहा है यहाँ पर, जो सोच के आए थे वो जहाँ पे नहीं हो सकता यार। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मतलब तुम उससे पहले कहीं सीखने गए थे वहाँ पे इतना सीख नहीं पाए, तो यहाँ पर तुमने दो दिन में सीखा। देखो यार मेरे भाई, दो दिन में आपने ये सारी चीज सीखी। मैं आप सब बोलूंगा कि मैंने आपको पहले दिन में ट्रेसिंग सिखाई थी जबकि आपको कॉम्पोनेंट का भी नॉलेज नहीं था, तो अभी अब मैं आपको ट्रेसिंग का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो आपको आता है ना कि ट्रेसिंग में क्या हमें ट्रेस करना होता है। जैसे अभी यहाँ पर मैं इनसे पूछता हूँ, तो ट्रेसिंग में आपको नॉलेज समझ में आया कि क्या मुझे ट्रेस करना होता है? जैसे स्पीकर सेक्शन में अगर मुझे, अगर आप स्पीकर सेक्शन में ट्रेस करने को दूंगा तो ट्रेस कर लोगे आप? मतलब आपको कोई सा भी मोबाइल, कोई सर्किट डायग्राम नहीं, कौन सा मोबाइल हम ट्रेस कर लेंगे? ट्रेस कर लोगे? कितने फॉल्ट आ सकते हैं, फॉल्ट बताओ। मतलब ये स्पीकर सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मुझे एक पीसीबी में कितने फॉल्ट मिल सकते हैं? ओपन हो सकता है, वेरी गुड, लीकेज हो सकता है और शॉर्ट हो सकता है। अगर लीकेज होगा अरे ओपन होगा तो उसमें कौन सा कनेक्शन हम चेक करते हैं? सीरियल कनेक्शन, वेरी गुड। और अगर शॉर्ट होगा तो कौन सा कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल। कौन क्या चीज दिख रही है हमको, क्या चीज दिख रही है हमको, मतलब एज अ टेक्नीशियन तीन चीजें दिख रही है, क्या क्या? टिप्स, कंपोनेंट्स एंड आईसी। तो इसलिए सबसे पहले हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए? टिप्स, उसके बाद कॉम्पोनेंट, फिर आईसी, क्योंकि अगर ओपन कॉम्पोनेंट नहीं हुए तो फिर तीसरा ओपन क्या होगा? आईसी। तो आईसी को फिर क्या करोगे तुम? जो रीहीट बिल्कुल रिप्लेस, बिल्कुल। तो पहले रीहीट, तो ये सारी चीजें, तो ये इसमें कितना महीने हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए? दो दिन मैंने पूछ लिया आपसे, इतनी सारी चीजें पूछी ना यार। अब आदमी सोचता है इतनी सारी चीजें सर दो दिन में कैसे है भाई? अच्छा ये बताओ, सच बताओ, मेरे आदमी तो नहीं हो ना पक्के से? अभी हूँ, दो दिन से हो यहाँ पर। तो यहाँ पर बताओ राजेश सर और हम, आप पर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छी। रात में मेहनत, रात में क्लासेस मिल रही कि नहीं मिल रही है? रात में 2 बजे आप लोग नाइट क्लास में आए थे है ना, ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा भाई, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ। 2 घंटे से ज्यादा किसी भी इंस्टीट्यूट में क्लास नहीं होती। 2 बजे, 2 घंटे से ज्यादा। आप यहाँ पे कितने घंटे मिल रही है आपको क्लासेस? लगभग 24 घंटे मिल रही है, और सर प्रेशर भी कर रहे हैं ऊपर से है ना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पे।
तो मेरे भाई यही तो चीज है कि हमें समझना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हमें अपना समय देखना है, हम यहाँ पर अपना समय वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। एशिया टेलीकॉम का नाम ही ऐसा ना, एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ तो हर एक कोई रख लेता है यार, देखो ऐसा कुछ नहीं है, एडवांस तो सभी रख लेते हैं। तुम बताओ एशिया टेलीकॉम बाकियों से अलग क्यों है अभी तक, क्योंकि तुमने कितना समझा होगा जिस हिसाब से तुमने। अच्छा ये बताओ यूट्यूब में मुझे देख के क्यों चुना, यहाँ पे क्यों आए, और आए तो यहाँ पे वो चीज मिली कि नहीं मिली दो दिन में? यूट्यूब पे मैं काफी सारे इंस्टीट्यूट सफरम किया, जो उनकी वीडियो देखी, उनमें जो जो मैंने मुझे चाहिए था, जो मैं कुछ डिफरेंस सोचना चाहता, जो कंपोनेंट्स तो नॉलेज सभी दे देते हैं, यूट्यूब पे मिल सकते, बुक्स से मिल गए, जो नॉलेज कंपोनेंट्स की जो सप्लाई जो डीपली नॉलेज थी वो एशिया टेलीकॉम दे रहा था फ्री में, वीडियो में डालकर भी, जो क्लास में हम पेड़ ले रहे हैं वो भी अच्छी, वो भी तो वो भी मिल गई। तो मतलब यहाँ पर तुमने देखा कि जिस तरह से अभी तुम बोल रहे हो, वैसे ही तो आपने देखा कि बाकी स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, तो उन्हीं का आउटपुट देख के आप आ रहे हैं। अच्छा आप जब देखते थे, जब मैं ऐसी क्लासेस बनाता था, आपको लगता था यार ये बंदा बोल रहा तो मैं भी बोल सकता हूँ ना, आज आप वहीं खड़े हो तो आपको कैसा फील हो रहा है दो दिन में, ये बताओ। मैं मोबाइल में कुछ अलग डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो आईसी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं कुछ डिफरेंट, जो फर्स्ट पेंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी ऐसा सीखना चाहते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम, तो यहाँ पर आपको मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो यहाँ पर एक एक कंपोनेंट और रह गया है, कॉइल। तो कॉइल के लिए हम इनको खड़ा करेंगे, बताइए आपका नाम। अमित चौरसिया, यूपी से। यूपी से अमित, ये बताओ कॉइल आपने यहाँ पे कितने प्रकार के पड़े? पहले चार प्रकार के। कौन कौन से? नॉर्मल कॉइल, बूस्ट कॉइल, कपलर कॉइल, डुअल कॉइल। वेरी गुड, आपने पढ़ा। ये बताओ कौन से कॉइल को जम्पर नहीं मारना है हमें? बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल को क्यों नहीं मारना है? बूस्ट को, फिर बूस्ट नहीं होगा, बूस्ट नहीं होगा। चारों कॉइल आपने चेक किए हमें बराबर? डुअल कॉइल और कपलर कहाँ मिल सकते हैं आपको बोर्ड में? कॉइल हमें कई जगह मिल सकते हैं, कपलर हमें मेन चीज कैमरे में और डिस्प्ले से। वेरी गुड, डुअल कॉइल तो हमें बहुत सारी जगह पे मिल सकते हैं, पर वो भी आपको डिस्प्ले और कैमरे में मिल ही जाएगा, पर कपलर आपको कहाँ मिलेगा? कैमरे में और डिस्प्ले। जिसको हटा के अगर मान लीजिए अगर वो आपका ओपन हो गया तो क्या फॉल्ट बनेगा? अगर डिस्प्ले का हो गया तो ग्राफिक में दिक्कत आएगी, डिस्प्ले वाइट आ सकता, डिस्प्ले वाइट आ सकता है। चलो ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, तो ये आपको आपने कॉइल बताया, आपको रजिस्टर भी आते हैं यहाँ पर? रजिस्टर कैसे, कौन से? अच्छा कोई भी कॉम्पोनेंट पैरेलल सीरीज में लगा होगा ये चेक कर लोगे आप? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि पैरेलल सीरीज क्या होता है, ये भी आपको पता चल गई, नॉलेज हो गई है? अच्छा ये बताओ कि कोई भी रिंगर का, जैसे इन्होंने बताया हमारे स्टूडेंट ने, आपने बताओ कि रिंगर के अगर आपको स्पीकर रिंगर का, क्योंकि एक सेक्शन समझाया अभी, तो किसी भी फोन का रिंगर आप उसको सर्किट बना सकते हो बिना सर्किट डायग्राम के, आईसी तक? आपको ये भी पता है कि कौन से कंपोनेंट सीरीज में होंगे और कौन से कंपोनेंट, जैसे पैरेलल में कौन कौन से हो सकते हैं? कैपेसिटर हो सकता है, डायोड, डायोड क्यों लगा होगा, डायोड प्रोटेक्शन, और कैपेसिटर क्यों लगा होगा? कैपेसिटर भी प्रोटेक्शन के लिए और प्लस फिल्टर के लिए। फिल्टर के लिए अगर ओपन होगा सर्किट तो वो किस कारण से होगा? वेरी गुड, चलिए ठीक है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर है ये मेरे 28 दिसंबर का मेरा बैच है एशिया टेलीकॉम का। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बहुत सारी चीजें पूछ ली है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी बहुत सारे नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ आपको आउटपुट मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम देवव्रत नगरवाल है, आई होप आप मुझे जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप मेरा नाम गूगल में सर्च कर सकते हैं। आप लिखिए देवव्रत नगरवाल, स्पेलिंग आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, आप लिखिए गूगल में देवव्रत नगरवाल, आप लिखिए प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में मुझे सर्च कर सकते हैं, आप मुझे गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कहीं भी सर्च करेंगे आपको मेरे नाम के जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मेरी आपको YouTube चैनल मिल जाएगा जो कि एक पहला है एशिया टेलीकॉम, दूसरा आपको मिल जाएगा स्मार्ट डेवलपर जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, एशिया टेलीकॉम में मैं डालता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो, तीसरा अगर आप मुझे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको एंड्रॉयड ऐप्स मिल जाएंगे, और अगर आप गूगल में मुझे सर्च करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, मेरे काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे, और आपको मिल जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों अगर आपको मुझे करीब से जानना है तो मेरा नाम सर्च कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मित्रांनो, आज सरांची नवीन बुक जी आहे ऍडव्हान्स मोबाईल चिप लेव्हल रिपेअरिंग सीखिए, हे 10% लॉन्च झालेलं आहे, हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाईन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेव्हल सारे ऍप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें,
एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.